नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों आपका स्वागत है मध्य प्रदेश नर्सिंग बुलेटिन में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्वालियर हाईकोर्ट के द्वारा कल जो हियरिंग था नर्सिंग मैटर को लेकर के, उसमें हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि जो कि सेशन BSc नर्सिंग, ठीक है, जो कि 22-23 में जिनका एडमिशन हुआ है MP में, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि उनका एडमिशन जो है इनलीगल कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। तो क्या कुछ बातें हैं, विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो में, और हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ घटनाएं MP में, MP नर्सिंग काउंसिल में, या फिर जबलपुर यूनिवर्सिटी में, या हाईकोर्ट के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, उस पर बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन न्यूज़ जो है नर्सिंग का आपको मिलता है, ठीक है। हम किसी भी बिना तथ्य का बात नहीं करते हैं। जब हमारे पास कुछ तथ्य होता है तभी हम वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं से भी किसी प्रकार का जो है जो एक प्रकार का गलत खबरें आप लोगों के पास जाती है वो ना जा पाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ मैटर है। आप यहाँ पे देखिए, ये आज की पेपर का कटिंग है, आप देख लीजिए 13/7/23 का, कल इसका हियरिंग था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नर्सिंग काउंसिल की जो पूर्व रजिस्ट्रार थी सुनीता सीजू, ठीक है, उन्हें पद से हटा दिया गया है। आप लोग जानते हैं हाईकोर्ट के निर्देश पे, ठीक है, पद से उन्हें हटा तो दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है उन्हें पहले के जहाँ वो पहले से आई थी, जहाँ शायद वो गांधी मेडिकल कॉलेज की स्टाफ नर्स थी, वहाँ से उन्हें रजिस्ट्रार बनाया गया था, लेकिन अभी तक उन्हें जो है वापस से जो है गांधी मेडिकल कॉलेज नहीं भेजा गया है। तो क्या कुछ मैटर है आप देखिए यहाँ पे। हाईकोर्ट ने कहा 4 घंटे में हाजिर हो DME, ठीक है। DME क्या होता है? DME वो पदाधिकारी हैं जो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी होते हैं, ठीक है, वो DME होते हैं। उन्हें लाइन हाजिर किया गया था कि आपके विभाग में ये जो फ्राउड चल रहा है, नर्सिंग घोटाला चल रहा है, उसमें उसे पूछताछ करने के लिए हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, ठीक है। देखिए आगे क्या खबर है। आज फिर पेश होंगे DME, ठीक है। कल उनको बुलाया गया था, लेकिन कल वो नहीं आ पाए, तो आज गुरुवार को उन्हें फिर से बुलाया गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच नर्सिंग काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार सुनीता सीजू के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने पर सख्ती दिखाई। उन्होंने उनके शासनकाल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो बिल्कुल एक फर्जी कॉलेज को जो मान्यता दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया गया है विभाग के द्वारा, इस पर जो है वो सख्ती दिखाया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन अरुण श्रीवास्तव, ठीक है, जो कि डायरेक्टर है मेडिकल एजुकेशन के, उन्हें 4 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने DME के भोपाल में होने का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस से उपस्थित होने का अनुमति मांगा था, क्योंकि ये हाईकोर्ट तो जबलपुर है, ठीक है, ग्वालियर है, तो ग्वालियर में आने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया था, लेकिन वो नहीं आ पाए, और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है वो प्रेजेंट होने के लिए परमिशन ले रहे थे, लेकिन कोर्ट अनुमति नहीं दिया, ठीक है। तो DME जब तक कोर्ट पहुंचे, कोर्ट उठ चुका था, जब तक वो आए तब तक जो है कोर्ट का जो कार्यवाही होता है वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका था। इस मामले में अब गुरुवार को DME को कोर्ट में हाजिर होना, आज गुरुवार है, ठीक है, आज गुरुवार है, आज देखते हैं क्या कुछ कहा जाता है DME की तरफ से, क्योंकि DME का बयान जो है बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आगे जो छात्र एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में हो रही है अनियमितता के खिलाफ मध्य प्रदेश लॉ एजुकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से जनहित याचिका जो है दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक बगरेचा ने दलील दी कि राज्य शासन की ओर से कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पालन में सुजिता सीजू को नर्सिंग काउंसिल के स्टाफ से पद से हटा दिया गया, इसके साथ नर्सिंग कॉलेज की मान्यता में अनियमितता को लेकर DME की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुनीता सीजू बिना कॉलेज का जाँच पड़ताल का मान्यता दे दिया है फर्जी कॉलेज को, ठीक है। इसके लिए DME जो है सुनीता सीजू को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन सुनीता सीजू का गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से SGM कॉलेज इंदौर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है, जहां से वो आई थी उन्हें वहां ना भेज करके कहीं दूसरे जगह इंदौर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप यहां पे देखिए क्या कुछ कहा है इसमें।
अधिवक्ता बागरीचा ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रांसफर के लिए एक माह बाद भी पूर्व रजिस्ट्रार को भोपाल से रिलीव नहीं किया गया। ट्रांसफर हुआ है लेकिन फिर भी उन्हें जो है भोपाल से ही रिलीव नहीं किया गया, तो अभी तक वो इंदौर में भी वो जो है नहीं गई है। डीएमई ने 2 माह पहले कारण बताओ नोटिस दिया लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पूर्व रजिस्ट्रार को संरक्षण दिया जा रहा है। अब संरक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है ये तो अब जांच का विषय है। और जो हाईकोर्ट तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने के पक्ष में है, नीट एंड क्लीन ही होगा इस बार, ठीक है, ताकि आने वाले जो आगे समय है उसमें किसी प्रकार के छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए कल क्या हुआ था कि नर्सिंग कॉलेज प्रवेश परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दिया गया। जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस हुआ था, पोस्ट बीएससी के लिए एंट्रेंस हुआ था, एमएससी के लिए एंट्रेंस हुआ था 22-23 सेशन में, ठीक है, तो आईएनसी के गाइडलाइन के अनुसार 22-23 में कहा गया था उनको कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर के ही बीएससी, पोस्ट बीएससी और एमएससी में एडमिशन देंगे। लेकिन एमपी में कानून का तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ पे रूल्स तो फॉलो होते नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, सेशन का टाइम ख़त्म होने के बाद उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया 22-23 के लिए, उसके बाद एडमिशन लिया। तो हाईकोर्ट के पास जब ये मामला पहुँचा तो उन्होंने क्या कहा, ये देखिए, सरकारी एजेंसियों को फटकार लगाई और कहा कि प्रदेश सरकार पर कोई नियम लागू नहीं होते हैं क्या। कोर्ट ने प्रवेश परीक्षा के परिणामों पर रोक लगा दी है। अब जब प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पे रोक लगा दिया है तो 22-23 भी क्या है, बिल्कुल फर्जी है। ऑलरेडी 23-24 के लिए शून्य सत्र घोषित करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, 22-23 भी इनलीगल हो गया है एडमिशन, तो ना 22-23 का स्टूडेंट का नामांकन है ना 23-24 का है, ठीक है। अब इनके पास मात्र 2 सत्र के विद्यार्थी हैं जो कि आपका 20-21 और 21-22 के हैं। तो जो भी छात्र 22-23 में एडमिशन लिए हैं बीएससी में, पोस्ट बीएससी में या एमएससी में मध्य प्रदेश में, वो इनलीगल एडमिशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है, प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन की ओर से सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में सत्र 22-23 में ली गई प्रवेश प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और कहा गया है कि सीबीआई जांच चल रहा है, उसके बीच इन्होंने एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद क्या कहा, ये देखिए, सत्र 22-23 की प्रवेश परीक्षा पिछले अक्टूबर 2022 में पूरा करना था लेकिन उस सत्र की प्रवेश परीक्षा हाल में ही हुई है। पिछले 22 में अक्टूबर में होना था लेकिन 2023 में हुआ है एग्ज़ाम, हाल में ही हुआ है एग्ज़ाम, जो कि बिल्कुल फर्जी है, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने बिल्कुल उस पर रोक लगा दिया गया है। अब ना 22-23 का सेशन का बच्चा है और ना 23-24 का। 23-24 तो ऑलरेडी जो है ये लोग इतने मतलब कामचोर हैं, इनके पदाधिकारी, इनके जो कर्मचारी हैं, कि एक सेशन सही से नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, देखिए यहाँ पे बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की रोक, पूछा सेशन बीतने के बाद किस नियम से कराई परीक्षा, सरकार नहीं दे पाई जवाब। सरकार के पास जवाब ही नहीं है क्योंकि सरकार का इस पर ध्यान ही नहीं है। जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, उन्हें अपने डिपार्टमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, वो बाकी के जो डिपार्टमेंट में उसमें इंटरेस्ट है, वो उसमें सारा इंटरेस्ट है। फ्लाईओवर का काम देख रहे हैं, यहाँ धार्मिक पूजाएँ चल रही है, लेकिन अपने विभाग में क्या हो रहा है उस पर उसको कोई ध्यान नहीं। आज तक हम एक स्टेटमेंट भी नहीं सुने हैं उसका, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम क्या सरकार पर लागू नहीं होता है, हाईकोर्ट ने सुनाया है। मनमानी की छूट है सरकार को, नर्सिंग परीक्षा जो है तय इसको मान्य कर लिया जाएगा, इसको ने नियम दिया कि वो कोर्ट को बताएं कि सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। किसी भी तरह का संतोषजनक जवाब जो है सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को नहीं सुनने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, 31 अक्टूबर थी एडमिशन की लास्ट तारीख, लेकिन एग्ज़ाम कब हुआ था, तो 7 से 9 जुलाई के बीच बीएससी नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा, बताइए 7 से 9 जुलाई 2023 को एंट्रेंस लिया गया था 2022-23 के सेशन का, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मतलब ये लोग एक अनियमितता जो ये लोग कहते हैं, कोर्ट वाले सही कहते हैं, बिल्कुल इनको नियम का बिल्कुल ताक पे रख के ये लोग काम करते हैं, समझ रहे हैं आप, समझ लिए कितना ये लोग फ्रॉडगिरी करता है ये लोग। देखिए, जब नर्सिंग काउंसिल की ओर से 31 अक्टूबर 2022 लास्ट था तो फिर ये 7 से 9 जुलाई 2023 तक किस नियम से जो है प्रवेश परीक्षा आयोजित किया गया। इनका अपना नियम है, आईएनसी का अपना नियम है,
तो इनके रिजल्ट पे जो है रोक लगा दिया गया है। जो जितने भी एडमिशन हुए हैं 22-23 का, वो भी अब पेंडिंग चला जाएगा जब तक कि हाईकोर्ट का कुछ निर्णय नहीं आता। अब यहाँ पे देखिए, MP हाईकोर्ट ने BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा BSc नर्सिंग एग्जाम के लिए रोक लगा दी है। ठीक है, 12 जुलाई को निर्देश दिया गया है, बिल्कुल बंद कर दीजिए जो है। और उसके बाद आपको जो है, अब यहाँ पे देखिए, एक सूत्र ने बताया कि परीक्षा का क्या औचित्य है सेशन बीतने के बाद। तो सही बात है, सेशन बीतने के बाद तो कोई औचित्य नहीं है उसका, तो इसका मतलब 22-23 का सेशन भी जो है शून्य चला गया, जो भी एडमिशन हुए हैं बिल्कुल फर्जी है। ठीक है, तो इतना सारा होने के बाद भी MP में सरकार का, वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ के जो CM हैं, उन्हें इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या कुछ कहना है, क्या कुछ नहीं करना है, विभाग कैसे काम कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये सबसे बड़ा घोटाला है MP का अभी तक का। और जितने भी कॉलेजेस हैं, वो उनका जो संपर्क है वो बड़े लेवल का है, इसीलिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक न्यूज़ में, जो डॉक्टर योगेश शर्मा थे MPNRC के जो प्रशासक थे, राजनीतिक दबाव में, लिखा हुआ था ऐसा स्टेटमेंट उस पेपर में, कि राजनीतिक दबाव में आकर के किसी भी कॉलेज पे कार्रवाई नहीं कर सकते थे, इस तरह से स्टेटमेंट लिखा हुआ था। सोच लीजिए, राजनीतिक दबाव कॉलेजों में है, MPNRC पे है, आपका जबलपुर यूनिवर्सिटी में है, लेकिन भाई कोर्ट तो करके रहेगा, कोर्ट पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। CBI, आपको बता दें कि CBI जो है 27 जुलाई को अपना रिपोर्ट सौंपने जा रही है हाईकोर्ट को। तो 27 जुलाई को जो हियरिंग होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्या कुछ कोर्ट के द्वारा कहा जाता है। छात्रों का भविष्य जो है 27 तारीख को तय होगा, जब CBI रिपोर्ट अपना सौंपेगी। ठीक है, तो फिलहाल यही जानकारी था, हमने आपको साझा किया है। और अभी के जो रजिस्ट्रार हैं, अभी नई रजिस्ट्रार आई हैं स्टेला पीटर, अब उनसे आशा है कि जो भी काम पेंडिंग है या जो भी सरकार के द्वारा पक्ष रखा जाएगा हाईकोर्ट में, वो अच्छे से रख पाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी प्रकार का जो है अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हम आप तक हर एक अपडेट को पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।